वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है, ठीक है, जो हाई स्कूल के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब आज हम आपको बताते हैं कि जीवन परिचय तो सब बच्चे लिखते हैं, बट सबका तरीका अलग अलग होता है। तो आप इस तरह लिखेंगे, जब ऐसे डब्बा एक बना लेंगे उसके अंदर इनका नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, इनका भाषा, शैली, मृत्यु, इतना जब लिख लेंगे, खाली आप इतना ही याद कर लेंगे, इसी से 2 पेज का इनका जीवन परिचय बन जाएगा, ठीक है। पूरा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इतना लिख लिए, फिर उसके बाद क्या है, हम क्या लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे काली से, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जितने हेडिंग को सजा के हम अच्छे से लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर हमें मिलने वाला है। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, महाकवि सूरदास जी का जन्म वैशाख सुदी पंचमी को सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नाव नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम यहां से इसको यहीं से काली पेन से लिखेंगे यहां तक, उसके बाद इसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे, ठीक। तो कुछ विद्वानों ने, जबकि कुछ विद्वानों ने इनका जन्म जो है दिल्ली के निकट सीही गाँव में मानते हैं, ठीक है। तो सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं, मतलब इस विषय पर बहुत बड़ा मतभेद था, मतलब है भी, अभी भी है, कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं। क्यों? क्योंकि जब जन्म से ही अंधे थे तो इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं, कृतियां, मतलब हर चीज़ का इन्हें, मतलब आँखों देखा जैसे किया जाता है उसी तरीक़ों से इन्होंने किया है, तो कैसे हम मान सकते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, ठीक है। इसीलिए इस विषय पे अभी भी बहुत मतभेद हैं, ठीक है। तो ये बचपन से ही विरक्त हो गए, ठीक, बचपन से जब विरक्त हो गए और ये क्या किए, फिर विरक्त होकर गौ घाट में जाकर विनय के पद गाया करते थे, ठीक है। वहीं गौ घाट पर जाकर जब विनय के पद गाया करते थे तो एक बार क्या हुआ, तो एक बार गौ घाट पर वल्लभाचार्य रुके, ठीक है। तब सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर, स्वरचित मतलब अपने स्वरों में जो है अच्छे से स्वर में एक पद गाकर सुनाया वल्लभाचार्य को, ठीक है। तो वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण के लीला का गान करने को कहा, तभी से ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, ठीक, और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। फिर इसके बाद हम इस डब्बे के इधर देखेंगे, यहीं से इनकी मम्मी का नाम, इनके पापा का नाम, भाषा, शैली और ये सब लिख देंगे, बस इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझने की बात है बस। तो यहाँ पर गान करने लगे, ठीक है। फिर यहाँ से लिख देंगे हम सूरदास जी के माता का नाम जमुना दास, ठीक है, तथा पिता का नाम जो है पंडित रामदास था। तो इनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये सब क्या करेंगे, काली पेन से लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन भी कर देंगे, ठीक है। और इनका भाषा जो है क्या था, इनकी भाषा ब्रज थी, और शैली क्या थी, मुक्तक शैली के गेय पद थी, ठीक। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ठीक, इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य था। तो इतना ही लिख देंगे, इतना जीवन परिचय में काफ़ी है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, इसको भी काली से डालेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर लिखेंगे महाकवि सूरदास जी का जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई, ठीक है। ये भी इनका कंफर्म नहीं है, लगभग हुई, ठीक। तो वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया, ठीक, किसको रख दिया, सूरदास जी को गोवर्धन ने। यह प्रसिद्ध है कि सूरदास जी ने सूर सागर में 125,000 पद की रचना की, ठीक है। यह प्रसिद्ध है कि सूरदास जी ने सूर सागर में 125,000 पद की रचना की, ठीक है।
पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी तक कितने पद प्राप्त हुए हैं? केवल 10,000 पद। ठीक, जिसमें 1,107 पद हैं। ठीक है, सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, किसकी? कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बाल लीला का कोई भी ऐसा पद नहीं है जिस पर इस कवि की दृष्टि ना पड़ी हो। किस कवि की? सूरदास की। ठीक है, तो सूरदास जी का हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूरदास जी का हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है, यानी कि सबसे अच्छा स्थान है। ठीक है, किसका? सूरदास जी का। इतना हो गया, तो हम देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि रचनाएं लिखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। रचनाएं नहीं लिखते हैं तो एक दो नंबर पक्का कट ही जाता है। तो हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, तीसरी हेडिंग रचनाएं, तो लिख देंगे इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक, तो पहला क्या है? सूर सागर, दूसरा सूरावली और तीसरा साहित्य लहरी आदि लिख देंगे, तो उसमें बहुत से आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा जीवन परिचय। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।